नमस्कार प्यारे बच्चों। सो बच्चों, हमारी जो ये नया पाठ है सखी का पत्र, तो आइए दे बच्चों हम पढ़ते हैं इस पत्र के अंदर किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है और पत्र में किस तरह से जो वो लिखना चाहता है लेखक, उसने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है, इस वर्णन के बारे में जानते हैं। तो पत्र के लिए, पत्र पढ़ने के लिए आप तैयार हैं, आइए बढ़ते हैं आगे। पाठ का नाम है सखी का पत्र। सो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में पत्र के द्वारा गांव की रहन सहन, जीवन शैली, खान पान आदि के बारे में बताया गया है। फिर देखिए, सबसे पहले पत्र में क्या लिखा हुआ है, एड्रेस जो कि 27 फरवरी को लिखा गया है गुड़मंडी से आगरा, 20 जुलाई 27/2, ये उसका एड्रेस गुड़मंडी आगरा 20 जुलाई को लिखा गया है ये, ठीक है। और किससे लिखा गया है, पीहू को, ठीक है। तो सबसे पहले जिसको लिखा गया है उसका नाम इसमें लिखा गया है, प्यारी पीहू, और ऊपर पीहू का एड्रेस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्यारी पीहू, नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूम कर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया, तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो पीहू है उसका जो पत्र मिला, तो वो क्या उसमें अनुभव बताया गया है, ताजमहल का। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टी में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गाँव में है, उनके गाँव का नाम है सीतापुर। मेरे नाना जी वहाँ के जमींदार हैं, है ना बेटा। फिर वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं, धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती हैं। गांव का वर्णन है यहाँ पर, जहाँ पर ये बताया है कि उनके जो नाना है वो जमींदार हैं और वहाँ पर अभी पक्की सड़कें नहीं हैं, इसलिए चारों तरफ धूल मिट्टी है, ठीक है। और जो औरतें हैं वहाँ पानी की कमी है, इसलिए पानी भरने या फिर पास में जो कुआ है, नदी है, वहाँ से पानी भरने जाती हैं। अब पीहू, सबसे आश्चर्य की भरी बात यह है कि वहाँ के लोग बैड टी नहीं लेते, बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी का क्या मतलब होता है, बहुत ही मेहनती होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, स्टॉप, रस्सी कूदना, खो खो, पोशंपा भाई पोशंपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा आदि खेल खेलते हैं। बच्चों के कौन कौन से खेल हैं, वीडियो गेम तरह के तो नहीं हैं, लेकिन पोशंपा भाई पोशंपा, गुल्ली डंडा, ठीक है, खो खो, रस्सी कूदना, पकड़म पकड़ाई, ये सारे खेल कौन खेलता है, गाँव में जो बच्चे हैं वो सब खेल खेलते हैं। अब गाँव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियाँ साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब देखिए और क्या बताया है, शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहां के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बस फटाफट फ़ोन किया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया और बातें करी, नहीं। गांव के लोगों को ना आपस में बैठकर बातें करना, एक दूसरे का सुख दुख बांटना, है ना, किसी चीज़ पर चर्चा करना, ये सब पास में बैठकर उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ फ़ोन पे बात करना उनको अच्छा नहीं लगता है। और ये सब करते कब करते हैं, ये शाम के समय करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, पीहू, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे और वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। गाँव हैं तो वहाँ पर बहुत सारे खेत भी थे, हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने उखाड़ कर खाए। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था, जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई थी। उस बच्चे के लिए पहला एक्सपीरियंस था जब उन्होंने कोई चीज़ इस तरह से खेत से उखाड़ी और खुद खाई, ठीक है। फिर देखिए, मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से
कपड़े सिल कर दिए और इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियाँ भी बन गई थी। अब मेरा मन वापस शहर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियाँ मिली थी, क्योंकि हमें जब भी कोई सर्विस पर रहते हैं, कोई काम पर रहते हैं, तो छुट्टियाँ लेना सबसे मुश्किल काम होता है, तो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, तो इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मज़े किए, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और शरारती रोहित की शरारतें कम हुई या नहीं बताना। मेरा सीतापुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी तान्या। तो तान्या ने बच्चों बहुत ही खूबसूरती से अपने अनुभव का जिक्र इस पत्र के माध्यम से पीहू को लिखकर किया कि उसके गांव में, जो कि सीतापुर नाम जगह है, उसके जो नाना जी वहाँ ज़मींदार हैं, किस तरह से वहाँ पे लोग काम करते हैं, कैसा पहनावा है ना, तो ये सारा चीज़ें एक गांव के बारे में उसने पूरा वर्णन बहुत ही अच्छे से किया। तो तान्या ने जिस तरह से पीहू को पत्र लिख के बताया, आप भी कोशिश करिएगा कि आप भी अगर कहीं का एक्सपीरियंस इस तरह से करते हैं तो ज़रूर अपने पत्र के द्वारा आप भी अपने किसी दोस्त को इस तरह से लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। सो बच्चों को गांव के परिवेश से अवगत कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था। चलिए, सो सबसे पहले देखिए बच्चों शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ में देखिए अनुभव महसूस, परिश्रमी मेहनती, रोमांचक मन को अच्छा लगना, आश्चर्य हैरानी, जिंदगी जीवन और शरारती मतलब शैतान। ठीक है, वर्तनी में देखिए छुट्टियों छुट्टियों आधा ट के जो है वो ट के साथ नीचे ट लगा के किया है, जिंदगी जिंदगी, यहाँ हमने अंकी बिंदी लगाई है, यहाँ पर हम पहले कैसे लिखते थे जिंदगी, अब हम नीचे का जो डॉट है जिसे हम नुक्ता के रूप में बताते हैं, नीचे बिंदी लगाना नुक्ता कहलाता है, जो ज को ज हम कहकर फिर बुलाते हैं, मिट्टी मिट्टी, परंतु परंतु, आधा ना हो इधर ट को 2 बार लिखा गया है, फिर डंडा अंकी बिंदी के साथ में है, लेकिन अब हम अण भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा उपयुक्त है वो अंकी मात्रा के साथ किया गया प्रयोग है। आगे देखिए आगर शब्द देखिए कौन कौन से हैं बच्चों, ताजमहल जो कि उर्दू शब्द है, बैड टी एक अंग्रेजी शब्द है, टेलीफोन अंग्रेजी शब्द, जिंदगी एक फारसी शब्द है, चीज़ एक फारसी शब्द है, दफ्तर एक अरबी शब्द है, और मज़े भी एक उर्दू शब्द है। ओके, सो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो पहला प्रश्न है, इसमें आपको सही उत्तर चुनना है, 4 में से कौन सा उत्तर करेक्ट है वो आपको देखना है। यह पत्र किसको लिखा गया था बच्चों? तो ये पत्र लिखा गया था पीहू को। ठीक है, फिर पीहू कहाँ घूम कर आई थी? पीहू आगरा घूम कर आई थी। ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में तान्या कहाँ गई थी बच्चों? तो अपने किसके घर गई थी? वो अपने नाना नानी के घर गई थी, राइट। सो यहाँ पर अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, यह पत्र किसको लिखा गया था? यह पत्र किसको लिखा गया था? पीहू को। ठीक है, पीहू कहाँ घूम के आई थी? आगरा। और गर्मी की छुट्टी में तान्या कहाँ गई थी? अपने नाना नानी के घर। ठीक है, यहाँ हम OMR शीट में भर भी देते हैं। क का पहला होगा ए वाला। ठीक है, ख में देखिए सी, ग में देखिए आप बी वाला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए घ, तान्या के नाना जी हैं। क्या थे बच्चों तान्या के नाना जी? तान्या के नाना जी थे
क्या थे? डॉक्टर थे, एक जमींदार थे, या फिर वो एक मजदूर थे? तो बच्चों क्या थे वो? वो एक जमींदार थे। तो आप लोग क्या करोगे अब? जो जमींदार है हम उस पे टिक लगाएंगे, ठीक है? तो यहां देखिए हम भरते हैं जमींदार, पहले का घ, बी, पहले का क्या हो जाएगा? बी वाला, ठीक है? तो हमने ये सही विकल्प पूरे किए हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं, रिक्त स्थान हमें पूरा करने हैं। रिक्त स्थानों में देखिए, पहला, तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी डैश देखने को कर रहा है। तो देखिए क्या देखने को कर रहा है? यहाँ देखिए उन्होंने क्या बताया था कि तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी क्या देखने को कर रहा है बच्चों? ताजमहल देखने को कर रहा है। तो हम यहाँ पर ताजमहल लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर सबसे पहले खाली स्थान में लिखेंगे ताजमहल, ताज महल। फिर देखिए महिलाएं डैश पर पानी भरने जाती हैं। सो महिलाएं पानी भरने कहाँ पर जाती हैं? यहाँ देखिए महिलाएं, बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा है, महिलाएं कुएं से, ये आ गया कुएं से, कुएं पर पानी भरने जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुएं से। फिर देखिए स्त्रियां साड़ी और डैश पहनती हैं। तो देखिए स्त्रियां क्या पहनती हैं? साड़ी और लहंगा चुनरी, यहाँ लिखा हुआ है साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं। तो हमें लिखेंगे साड़ी और लहंगा चुनरी, लहंगा चुनरी। वहां सड़क के दोनों डैश खेत थे, लहलहाते खेत थे। कैसे खेत थे बच्चों? लहलहाते। फिर देखिए मैंने भी खेतों से डैश उखाड़कर खाए। क्या उखाड़कर खाए? गन्ने। ठीक है, मैंने भी गन्ने उखाड़कर। ओके, नेक्स्ट है आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तान्या ने यह पत्र कहां से लिखा था बच्चों? ठीक है, देखते हैं। पीहू को लिखा था आगरा, ठीक है? लिखेंगे नेक्स्ट, पीहू कहाँ रहती थी बच्चों? पीहू, पीहू भी आगरा में रहती थी। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में है। गांव का क्या नाम था बच्चों? सीतापुर, ठीक है? एक बार और इसे देख लेते हैं।
चलिए ठीक है। तो बच्चों हमने देखा किस तरह से एक पत्र के माध्यम से आप अपनी किसी भी जर्नी का या कोई भी ऐसा अनुभव जो आप दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं उसका वर्णन आप बहुत अच्छे से पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर तान्या ने अपने जो दोस्त है पीहू को पत्र लिखकर अपनी बातों के बारे में बताया, तो आप भी पत्र लिखने का अभ्यास ज़रूर करें और अपने जो अनुभव है वो अपने दोस्तों के साथ बांटें। सो पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा, कृपा करके आप इसे फिर से दोहराइएगा, नहीं समझ आए तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।